शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 26। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, इंग्लिश की है, सब्जेक्ट लिख लेंगे, क्लास लिख लेंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, हैज योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वॉज रॉन्ग। क्या आपके किसी बेस्ट फ्रेंड ने ऐसा कोई काम किया है जो उसने किया हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि वो गलत है? तो देखिए, ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ, इसलिए मैं नो टिक करूंगी। अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है तो आप उसमें लिख देंगे यस, ओके। उसके बाद लिखा है डिड योर फ्रेंड ट्राई टू करेक्ट हिमसेल्फ और हर सेल्फ आफ्टर योर सजेशन। यानी अब अगर उसने कुछ गलत काम किया तो आपने उसे समझाया कि देखो तुमने ये गलत काम किया है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो क्या उसने अपने आप को सही करने की कोशिश की? जाहिर सी बात है, अगर वो आपका बेस्ट फ्रेंड है तो ज़रूर कोशिश करेगा अपने आप को सही करने की, तो आप यस पे टिक कर देंगे, ओके। अब आगे लिखा है व्हाट चेंज आफ्टर योर सजेशन टू योर फ्रेंड्स। यानी आपके दोस्त के अंदर कौन से चेंजेस आए आपके मना करने पर, ठीक है। जब आपने उसे समझाया तो क्या है, तो आप लिख देंगे मैनी चेंजेस, ठीक है। क्या लिख देंगे? मैनी चेंजेस, ठीक है, कि बहुत सारे चेंजेस आए, ठीक है। जो जो मैंने उसे समझाया वो सब चेंजेस आए, तो आप लिख लेंगे आसानी से। चलिए अब आपके आगे हम लोग इसे पढ़ना शुरू करते हैं। तो लिखा है लेट अस रीड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन दिस स्टोरी फेयर प्ले। यानी कि अब हम लोग देखते हैं कि इस स्टोरी में आगे क्या हुआ, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री, अलगो स्टूड अप एंड सेड। यानी वही पंचायत दोबारा से उसी बनियान ट्री के नीचे हेल्ड की गई, यानी कि बुलाई गई। अलगो स्टूड अप, अलगो खड़ा हुआ और सेड, और उसने कहा द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। यानी कि पंचायतों की जो पंच लोग जो होते हैं उनका जो आवाज़ है वो गॉड की आवाज़ है, खुदा की आवाज़ है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, यानी कि फिर साहू जो है वो नॉमिनेट करता है पंच को, बताता है आई विल एडेबल बाय हिज डिसीजन, ठीक है। और उसके बाद वो सारी बातें बताता है। साहू से हिज चेंज हिज चांस टू प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन। यानी कि जैसे ही वो उसको देखता है, वहाँ पे जुम्मन होता है जो कि उस वक्त है मतलब पंचायत का हेड होता है, यानी कि पंच सरपंच होता है। अलगूज हार्ट संक, यानी कि अलगू जो होता है उसका दिल धक से रह जाता है। ही टर्न प्ले, यानी कि वो दोबारा से मतलब घूमता है, बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, कुछ नहीं कर सकता था, वो चुपचाप वहीं खड़ा रहा। क्यों घबरा गया था? क्यों? क्योंकि पिछली बार अलगू जब है पंच था तो उसने जुम्मन के खिलाफ फैसला सुनाया था, ठीक है। ये अलग बात है कि उसने सही फैसला सुनाया था, लेकिन जुम्मन को ये लग रहा था ना कि मेरे खिलाफ फैसला सुनाया, और जुम्मन उस वक्त उसके दुश्मन हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पे पंच जो है मेन पंच का हेड यानी सरपंच जो है वो जुम्मन है और अलगू सामने खड़ा है, ठीक है। तो अब क्या होता है, द मोमेंट जुम्मन बिकम हेड पंच, यानी ये वो समय था जब जुम्मन हेड बन चुका था। ही रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एट जज्ड एंड द डेंसिटी ऑफ हिज ऑफिस। यानी कि इस वक्त क्योंकि जुम्मन हेड था पंच का, तो उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कैसे जज करना है, किस तरह से न्याय देना है, उस चीज़ का उसे एहसास था, उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता था। ही कुड नो कुड ही सीटेड इन द हाई प्लेस, और वो इस वक्त सबसे ऊंचा बैठा था। हैव हिज रिवेंज नाउ, यानी कि अब वो चाहता था तो वो बदला भी ले सकता था, लेकिन ही थॉट, लेकिन उसने सोचा एंड थॉट और सोचा नो ही मस्ट not allow his personal feeling to come in the way of speaking in truth and doing justice. यानी उसने सोचा और उसने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, ये personally feelings को लाने का मामला नहीं है, यहाँ पर आपको वो करना है जो सच है और वही कहना है जो सच है, ठीक है। यानी कि आपको न्याय देना है, आपको यहाँ पे अपनी दुश्मनी को नहीं लाना है। बोथ अलगू एंड साहू स्टेट देयर केसेस, अब उन्होंने दोनों ने अब अलगू ने भी और साहू ने भी अपना केस बताना शुरू करा कि किस तरह से साहू ने एक बीमार भैंस बुल का जोड़ा अलगू को बेच दिया था, और किस तरह से अलगू के पास आते ही वो मर गए थे, और साहू ने कहा था कि वो कुछ दिनों बाद पैसे ले जाएगा के, ठीक है, लेकिन वो मर गए थे तो वो उसको पैसे नहीं दे रहा था। इसी तरह से कहानी थी। क्या लिखा, दे वर क्रॉस एग्जामिनिंग एंड द केस वॉज कंसिडर डीपली। यानी कि उनको क्रॉस एग्जामिन किया गया, यानी उन्हें जांचा गया, उनके क्रॉस क्वेश्चन किए गए, और जो केस था उसको डीपली कंसिडर किया गया, यानी उसको और ध्यानपूर्वक समझा गया। देन जुम्मन स्टूड अप, अब जुम्मन खड़ा हुआ एंड अनाउंस्ड, और उसने कहा इट इज और ओपिनियन, यानी कि अगर हम अपने ओपिनियन की बात करें, अपने विचार व्यक्त करें, दैट साहू शुड पे अलगो द प्राइज ऑफ द ब्लॉकलेट। यानी कि अब साहू को जो उसके पैसे हैं वो पे करना पड़ेंगे। वेन साहू ब्रॉट द ब्लॉकलेट, यानी कि अगर साहू उसको ख़रीदते हैं, इट्स सफरिंग फ्रॉम
नो डिसेबिलिटी और डिजीजेज, यानी कि जब साहू ने उसको खरीदा था या बेचा था इस तरह से, तो क्या था उसको कोई बीमारी थी या नहीं थी हमें नहीं पता। द डेथ ऑफ द ब्लॉकलेट वॉज अनफॉर्चुनेटली, यानी कि वो एक तरह से खुद मरे हैं, किसी को नहीं पता था कि वो बीमार हैं या नहीं मरे हैं। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम फॉर इट, यानी अलगू को इसके लिए ब्लेम नहीं करना चाहिए। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, यानी अलगू को अगर ऐसा पता होता तो ऐसे थोड़ी ना करता। ही स्टूड अप, और अलगू एकदम ही से खड़ा हो गया। जब अलगू ने इस चीज़ को सुना तो एकदम ही से खड़ा हो गया। एंड सैड लाउडली, और बहुत तेज़ बोला। ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार उसने बोला। क्या बोला? विक्ट्री टू द पंचायत, यानी विक्ट्री माने होता जीत, यानी पंचायत जीत गई। दिस इज जस्टिस, ये न्याय हुआ है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, यानी कि गॉड पंचों की आवाज़ में रहते हैं, है ना। यानी जो पंच है वो वाकई गॉड की तरह ही काम करते, हमेशा न्याय करते। सोन आफ्टर, काफ़ी टाइम बाद जुम्मन कम टू अलगू, जुम्मन अलगू के पास आया। एम्ब्लेज्ड हिम एंड सैड, मतलब उसको चिपटाया और कहा, सिंस द लास्ट पंचायत, या तुम्हें याद है जो आखिरी पंचायत हुई थी, आई हैड बिकम योर एनिमी, मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था। टुडे आई रियलाइज, यानी कि लेकिन आज मैंने ये एहसास किया, महसूस किया, व्हाट इट मीन टू बी अ पंच, यानी पंच का क्या मतलब होता है, ये मैंने आज महसूस किया। अ पंच हैज़ नो फ्रेंड और नॉन एनिमी, यानी पंच जो है वो किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। ही नो ओनली जस्टिस, यानी उसको सिर्फ और सिर्फ जस्टिस को देखना होता है। लेट नो वन deviate from the path of justice and truth for friendship or enemy need, यानी कि आपको वहाँ पे किसी को भी दोस्त या दुश्मन नहीं समझना होता है, या सिर्फ और सिर्फ आपको वहाँ पे सच्चाई और ईमानदारी के ही उस राह पे चलना होता है, और वही आपको करना होता है। अलगू एम्ब्लेज्ड हिज फ्रेंड एंड वेप, यानी वो दोनों आपस में मिले, गले लगे एक दूसरे के और बात की। एंड हिज टीयर्स वॉश अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिटवीन दैम, यानी उनके आंसुओं ने, जब वो रोए तो उनके आंसुओं ने जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी दोनों के बीच में, उन सब चीज़ों को, उस गंदगी को क्या कर दिया, धो दिया। तो आप लोग इसको पढ़ चुके हैं, आया मज़ा इस स्टोरी को पढ़ने में। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स को करते हैं। यहाँ लिखा है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग द पैसेज, आप अपनी रीडिंग पे, आपने जो ऊपर पैसेज पढ़ा उसके रीडिंग पे राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपको ट्रू और फॉल्स में ही जवाब देना है इस स्टेटमेंट में। तो देखिए क्या लिखा है, साहू से हिज चांस एंड पर्पज द नेम ऑफ जुम्मन एज अ हेड द पंच, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो इस वक्त जो था हेड बना हुआ था। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, जुम्मन अनाउंस दैट साहू शुड नॉट पे अलगू प्राइस ऑफ द ब्लॉकलेट, यानी कि क्या जुम्मन ने ये अनाउंस करा कि साहू उसको पैसे नहीं देगा, तो ये हो जाएगा फॉल्स। नहीं, उसने कहा था कि वो पैसे देगा। ठीक है, तो पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है। ठीक, अब आपका तीसरा पढ़ते हैं, तो तीसरा क्या हो गया, तीसरा लिखा है द पंच नोज ओनली जस्टिस हैज़ नो एनिमी और अ फ्रेंड। ठीक है, यानी कि पंच जो है वो जस्टिस देखते हैं, ना कि दुश्मन और फ्रेंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ट्रू, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ वो देखते हैं, ना कि दोस्त और ना ही दुश्मन। ठीक है, आगे क्या लिखा है, जुम्मन रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ जज वंस ही बिकेम हेड पंच, तो ये भी हो जाएगा ट्रू, कि जुम्मन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हो गया जब वो क्या बन गया था, पंच बन गया था। अलगू एंड जुम्मन एब्लेस्ड ईच अदर एंड आफ्टर स्टोरी, तो ट्रू, यानी वो दोनों एक दूसरे के गले मिले और उन लोगों ने दोस्ती की। ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं कि वर्कशीट को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतने, अगर आपका हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ से लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।